फ्रेंड्स आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ने के पहले थोड़ा वेव मोशन के बारे में जानकारी रखेंगे बेसिक्स ऑफ वेव मोशन पर्टिकुलर रेफरेंस जो रहेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज पे रहेगा ताकि हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो हमें तो समझने में आसानी हो तो वेव हम सब लोग जानते हैं जैसे कि ये आप देख रहे हैं इसको हम वेव बोलते हैं बिकॉज इट इट इज अ रिपीटेटिव पैटर्न राइट एंड इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं वे बेसिकली एक मीडियम होता है एनर्जी को ट्रांसमिट करने का वो एनर्जी ट्रांसमिशन पार्टिकल्स के थ्रू होता है अगर वो पार्टिकल ऐसा पॉसिबल है कि वो पार्टिकल एक ही जगह मूव कर रहे हो ऑसिलेट कर रहे हो स्टिल दे विल बी एबल टू ट्रांसमिट द एनर्जी बिकॉज ऑफ देयर मोशन राइट तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेव में जो पैरामीटर्स जो वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स होती हैं सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बोल सकते हैं मतलब फ्रीक्वेंसी एक पैरामीटर होता है वेवलेंथ एक पैरामीटर होता है एक अगर डेटामाइंड है इन केस ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इफ फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवेंगे दिख जाती है जो इनविजिबल होता है वो इंटायर रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में कवर होता है राइट right. सो so, जब हम बोल रहे हैं कि वेवलेंथ हमें पता चल गया तो हम फ्रीक्वेंसी डेटामाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये स्पीड ऑफ लाइट से कवन होती है मतलब बेसिकली अगर हम इसको बोलें तो स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स है कांस्टेंट है इट इज थ्री लाख किलोमीटर पर सेकेंड राइट स्पीड ऑफ लाइट अगर स्पीड ऑफ एनी वेव बेसिकली टाइम्स इट वेव लेंथ एफ इंटू लैमडा लैमडा वेव लेंथ है एफ फ्रीक्वेंसी है एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो अगर हमें एफ पता चल गया फ्रीक्वेंसी पता चल गई या हमें लैमडा पता चल गया तो ये कॉन्स्टेंट है तो हम दूसरा पैरामीटर निकाल सकते हैं अगर f पता है तो लैम्डा पता चल जाएगा वेव लेंथ पता चल जाएगी अगर वेव लेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी राइट दैट्स वॉट आई टू से ओके सो अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझना है तो उसके पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं या मैकेनिकल वेव क्या होती है सी मैकेनिकल वेव एज द नेम सजेस्ट मैकेनिकल वेव्स में मीडियम uh, रिक्वायर्ड होता है मीडियम मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव तो करते हैं और वही एनर्जी ट्रांसमिट भी करते हैं पर मैकेनिकल वेव में देर इज अ डिस्टर्बेंस इन दैट मैटर इन दैट पार्टिकल सो अगर पार्टिकल डिस्टर्बेंस होगा तभी वो वेव प्रोपोवेट कर पाएगा तो उस वेव को हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव एंड सिंस अ मीडियम इज रिक्वायर्ड दे कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड लिक्विड और गैस मतलब दे कैनॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम हमारे यूनिवर्स के अंतरिक्ष क्या है उसमें वैक्यूम है सो मैकेनिकल वेव्स कभी यूनिवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकती इट इज़ ओनली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि उनको मीडियम नहीं चाहिए तो मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकती पर उनको मीडियम नहीं चाहिए दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो सो लेट्स कम टू द मैकेनिकल वेव प्रॉपर्टीज तो मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोन वेव्स ये दो तरह के इंपॉर्टेंट वेव्स है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसमिट होती है एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है हमारे आसपास राइट वेव इज ओनली अन्स टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी जैसे कि वाटर जो आपने वेव्स देखे होंगे वाटर में या समंदर में ओके okay, तो ये क्या है ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है वाटर थ्रू वेव्स के थ्रू या साउंड वेव्स जो ट्रेवल करती है एयर में ये एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव्स के बिकॉज जो वाटर की एनर्जी है वो वेव्स के थ्रू ट्रांसफर हो रही है तो मीडियम इज वाटर सिमिलरली साउंड वेव जो है वो एयर में जो एयर क्या है मीडियम है जिसमें साउंड वेव की एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है मैंने कहा मैकेल वे प्रोड्यूस करने के लिए एक डिस्टर्बेंस होना जरूरी है या वाइब्रेशन होना जरूरी है अब अगर मगर इसी को अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो वाटर वेव्स कैसे बनती है वाइब्रेशन होता है लिक्विड में मतलब वाटर में वाइब्रेशन होता है गैस में जिस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है एयर में बेसिकली सो वेन दीज मैके मीडियम में ट्रैवल करते तो होता क्या है दे कोलाइड और अदर एक दूसरे से टकराती हैं राइट right? एंड उससे क्या होता है ट्रांसफर होता है एनर्जी मतलब ये एक पार्टिकल है तो मॉलिक्यूल है एयर का मॉलिक्यूल वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया उसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी तीसरे मॉल्को से टकराया फिर एनर्जी ट्रांसफर हो गया ऐसे कर करके पूरी वेव जो है पूरी एनर्जी ट्रांसफर करके बढ़ता है आगे दिस इज थ्रू अ दिस इज फॉर अ मैकेनिकल वेव विच अ मीडियम मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से बंप इचे दर होते हैं एंड दे ट्रांसफर द एनर्जी ओके सो इट इज वेरी क्लियर इफ साउंड इज अ मैकेनिकल वेव जिसको एक मीडियम चाहिए होता है साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता विच मीन साउंड कैनॉट ट्रैवल इन स्पेस स्पेस हैज नो मटेरियल लाइक वैक्यूम है स्पेस इज क्या वैक्यूम है राइट सो जैसे uh, हम आगे के लेक्चर्स में देखें कि जब बिग बैंग हुआ था तो किसी भी आप अगर पटाखा भी पोड़ते हो तो उसे साउंड आती है क्योंकि वो एयर में ट्रैवल करती है पर जब बिग बैंग हुआ तो ऑब्वियसली उसके लिए भी साउंड आई होगी पर वो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती साउंड तो जनरेट हुई होगी लाइट और साउंड दोनों जनरेट हुई होगी बिग बैंग के टाइम पर वो ट्रैवल नहीं कर सकती बिकॉज स्पेस इज वैक्यूम राइट सो दे इज़ नो मीडियम टू ट्रांसमिट दीज मैकेनिकल वेव्स इन केस ऑफ साउंड

मैग्नेटिक से मैग्नेट्स जनरेट हो सकते हैं जिस रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा मैग्नेट लगा होता है उसके लाइनिंग पे तो हम लोग खोल बंद करके चेक करते रहते हैं कि लाइट बंद हुई कि नहीं बच्चों ने बहुत खेला करते थे राइट सो अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन विल विल जनरेट एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक राइट सो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड और अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड विल जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड वाइस वाइसावर्स मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप वेरी करा रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करा रहे हैं तो वो फाइसा वर्सा जनरेट करेंगे मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो बेसिकली दिस टू आर लिंक्ड दिस टू आर लिंक आप एक इलेक्ट्रॉन लेके दौड़ जाइए सर्किल में जो है एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगा या आप एक मैग्नेट लेके दौड़ जाइए सर्किल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट दिस चेंजिंग फील्ड्स फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक राइट तो बेसिकली इनमें दोनों प्रॉपर्टीज हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग ये भी समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मकैनिकल वेव से कैसे डिफर करती हैं पहला डिफरेंस तो बहुत कॉमन है कि दोनों एक को मीडियम चाहिए होता है कंपल्सरीली दैट इज मैकेनिकल वेव जैसे कि साउंड वेव है वेर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डज़ नॉट नेसेसरली रिक्वायर मीडियम मतलब अगर मीडियम है तो अच्छा नहीं मीडियम है तो इट डजेंट मैटर इट कैन स्टिल ट्रैवल लाइक इन केस ऑफ स्पेस ऑफ यूनिवर्स वेयर देर इज नो मीडियम देर इज ओनली वैक्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स लाइक लाइट

अब हम लोग जनरली कंसेप्शन क्या होता है कि लाइट मतलब जो दिख रहा है वही लाइट है बट लाइट हैज़ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इसमें विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी फिक्स है 350 से 700 हंड्रेड नाइनोमीटर जिसको हम लोग देख पाते हैं ह्यूमन आई सेंस कर पाता है पर उसके बियॉन्ड जो फ्रीक्वेंसीज है दे आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोम दोज आर ऑल्सो लाइट वो भी लाइट ही हैं पर उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या फ्रीक्वेंसी अलग है कम है ज़्यादा है उसके वजह से हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं राइट right? बट द फिनन ऑफ द फेनोमिन दोनों जो इन्वॉल्ड वो सिंपल है वो सेम इलेक्ट्रोमेटिक वेव भी क्या करती है कैरी इलेक्ट्रोमेटिक एनर्जी कैरी करती है एंड जो कि मैंने बोला कि दिस एनर्जी कैन बी डिस्क्राइब वेव की कोई भी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करनी हो आपको फ्रीक्वेंसी बता पता है तो वेवलेंथ पता लगा सकते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमेटिव वेव या इन दोनों का कंबाइंड प्रोडक्ट जो होता है वो आपको एनर्जी बता है. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की उतनी ज़्यादा एनर्जी तो एग्जाम्पल इस, इसको देखें यहाँ पे ओके okay, उसके पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी को समझते हैं थोड़ा तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि फ्री एक सेकंड में कितने ट्रफ्स पार हुए या क्रेस्ट पार हुए उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो यहां पे जैसे टू देख रहे हैं तो इसका मतलब इस वेव की फ्रीक्वेंसी टू हर्ज है इसका यूनिट होता है हर्ज राइट ओके okay, वेवलेंथ अगर हम लोग और करें तो जो दो टॉप्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं या दो ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको वेवलेंथ बोलेंगे टॉप टू टॉप या बॉटम टू बॉटम का बीच का डिस्टेंस ढ्ढा है ट्रफ तो पहाड़ का ऊंचाई वाला पार्ट है वो क्रेस्ट ओके सो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ क्रेस्ट दैट ट्रेवल ट्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड इन वन सेकेंड राइट फ्रीक्वेंसी इज वॉट दंबर ऑफ क्रेस्ट दैट पास अट इन सेकेंड एंड यूनिट हमने पढ़ा ये अर्ज में ना पा जाता है राइट right. so जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपको वेवलेंथ भी पता चल गई क्योंकि लाइट सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी या स्पीड ऑफ लाइट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ वेव स्पीड ऑफ लाइट क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बेसिकली लाइट इसकी स्पीड फिक्स है किसी भी इसमें वैक्यूम uh, में राइट सो ऑल थ्री आर रिलेटेड ऑल थ्री मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट या एनर्जी बोल लीजिए देन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सो इफ यू नो वन यू कैन कैलकुलेट द अदर टू राइट। right. अब अगर हम लोग कुछ देखें जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे रेडियो एंड माइक्रोवेव्स जो है इनको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में डिस्क्राइब किया जाता है आपने देखा होगा ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमेटिक वेव्स में उनको वेवलेंथ के टर्म्स में विजिबल लाइट हम लोग बोलते हैं थ्री हंड्रेड फिफ्टी से नाइन हंड्रेड नाइनोमीटर्स के को विजुअल लाइट में कैटेगराइज किया जाता है एंड सेवन हंड्रेड नैनोमीटर के बियॉन्ड को इन्फ्रा रेड में कैटेगराइज किया जाता है ओके सिमिलरली एक्स रेज ये बहुत ही हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमेटिक वेव्स होती हैं एक्स रेज एंड गामा रेज तो इनको एनर्जी के टर्म्स में डिस्क्राइब क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ओके तो लेट्स कम टू दिस डायग्राम देखो एनर्जी क्यों ज्यादा दिख सकते हैं बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्रेस्टेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी या वेवलेंथ बड़ा होगा तो एनर्जी कम होगी राइट सो दिस इज मोर एनर्जेटिक है ना आप अगर इसी वेव को जनरेट करना हो दो लोग खड़े हैं उनको ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी वही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है राइट right? ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना उनको ये जन पैटर्न जनरेट करने के लिए मोर नंबर ऑफ क्रेस्ट या ट्रफ्स जनरेट करने के लिए तो so वही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो इस केस में एनर्जी ज़्यादा है वेन देर इज़ मोर एन द फ्रीक्वेंसी इज हाई मीन्स एनर्जी इज ऑल्सो हाई फ्रीक्वेंसी इज लेस इट मीनस एनर्जी इज ऑल्सो रिमेनिंग हम लोग अब इलेक्ट्रोमेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू